प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जाने वाली योजनाओं के संदर्भ में पदाधिकारियों द्वारा पत्रकारों से एक विशेष चर्चा की गई। इसके साथ ही कोरोना वायरस जैसी महामारी से किस प्रकार देश को निजात मिल सके, इसके संबंध में पत्रकारों से चर्चा की गई। साथ ही दूर दराज से लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने की योजना के बारे में भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नूना, विधायक राकेश गिरी, अभिषेक खरे सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है, अभी हमारी सरकार ने एक योजना दी थी कि ऐसे जो नाले हैं जिससे जल भराव होता है शहर में, और इनका चिन्हांकन किया जाए। नगर पालिका द्वारा इनका चिन्हांकन किया जा रहा है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। ऐसे ही मजरे टोले जो छूट गए हैं उनकी रोडों के लिए भी टेंडर लगाने का काम किया जा रहा है। हर घर में पानी हो, हर गांव में नल जल योजना है, जहाँ की नल जल योजनाएँ हैं, चूँकि नल जल योजनाएँ 5 वर्ष पहले बनी थी, उसके बाद गाँव की आबादी बढ़ गई है, वहाँ पानी नहीं है, तो उसके लिए आगे बढ़ाने का काम, सेकेंड फेज का काम हर गाँव में किया जा रहा है। अनंतपुरा और तखा में भी पानी का मुख्यमंत्री उसमें स्वीकृति हो गई है, जहाँ टंकी का निर्माण किया जाएगा। तो आने वाले समय में जन भावनाओं के हिसाब से जहाँ जो विकास, रोड, लाइट, पानी, बिजली, जहाँ भी कमी है, उसका काम हमारी सरकार करेगी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं और 130 करोड़ उन भारत माता के सपूत भाइयों और बहनों के बीच में जाकर अपने एक साल का चिट्ठा दे रहे हैं। हम सब जानते हैं विगत एक वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस देश की मजबूती के लिए, इस देश के विकास के लिए, इस देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो विशेष निर्णय लिए गए हैं वो ऐतिहासिक ही नहीं बल्कि इस देश को विश्व के पटल पर एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत बड़ा प्रयास है। हम सबसे पहले देखें सामाजिक स्तर पर जो हमारी मुस्लिम बहनें जिनको मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता था, ऐसे ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही उन बहनों के लिए उस ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए ट्रिपल तलाक का प्रतिबंध करने का कानून ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में लागू हुआ। ठीक उसके बाद 6 साल में मोदी जी ने अभूतपूर्व और जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं वो आप सबके बीच में हैं। पिछले 5 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है, जिसका परिणाम जनता ने उन्हें दिया है और पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, इस एक वर्ष के कार्यकाल में मोदी जी द्वारा अभूतपूर्व निर्णय लिए गए, उनके द्वारा जो किया गया, जो निर्णय लिए गए, जो धरातल पर काम किए गए, उसके संबंध में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा आपको भी अवगत कराया गया है। और मैं केवल आप सबको इतना बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी सौगात है, और उसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में मिलेंगे, चर्चा भी करेंगे कि टीकमगढ़ जिले को विशेष पैकेज दिया जाए, यहाँ विशेष उद्योग स्थापना की अनुमति दी जाए और उद्योग स्थापना में जो अड़चने आती हैं उनमें विशेष छूट दी जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मजदूर टीकमगढ़ जिले और निवाड़ी जिले में, और ये मजदूर जो अभी आए हैं, जो मजदूर सरकार द्वारा बुलाए गए लेकिन कुछ पैदल चल के बीच में आए हैं, जैसे हमारे संगठन और सरकार के लोगों ने इनके आने की, खाने की, बैठने की, सोने की सारी व्यवस्थाएँ दी, और ये हमारे जिले में जिलाध्यक्ष की पूरी टीम ने जूता चप्पल पहनाने से लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।